नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूं दीपिका रियाल। सलमान खान को फिल्म इंडस्ट्री में लगभग 30 साल हो गए हैं। अपनी एक्टिंग, फिजिक और लुक से उन्होंने इंडस्ट्री में बड़ा मुकाम भी हासिल किया है। आज दुनिया भर में उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। सलमान की फिल्म भारत 2019 ईद के मौके पर रिलीज हो रही है। फिल्म में सलमान एक बेहद चुनौतीपूर्ण रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। हालिया इंटरव्यू में उन्होंने अपने करियर, एक्टिंग और फिल्मों के बारे में बात की और साथ ही उन्होंने अपने साथी कलाकार शाहरुख खान और आमिर खान के बारे में भी बात की। इंटरव्यू में सलमान ने कहा, शाहरुख खान लेजेंड हैं, साथ ही आमिर खान भी। दोनों की एक दो बुरी फिल्में हो सकती हैं, मगर वो हमेशा शानदार वापसी करते हैं। दरअसल टेंशन तो मेरी है, आमिर और शाहरुख को अपना क्राफ्ट पता है। मैंने लोगों से अपने बारे में सुना है कि वो मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचते। मेरे साथ सीन ये है कि मैं औसत दर्जे के टैलेंट और लक की वजह से सरवाइव कर रहा हूँ। मुझे सही तरीके से ये भी नहीं पता कि मैं कैसे सरवाइव कर रहा हूँ, मगर मैं कर रहा हूँ। मेरे अप्स और डाउन्स होते रहते हैं। भगवान की दुआ से मेरी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा तगड़ी है। सलमान खान ने फैंस के भारी सपोर्ट पर बात करते हुए कहा, दर्शक पैसा लेकर मेरी फिल्म देखने जाते हैं, वो टीवी पर भी मुझे देखना पसंद करते हैं। इसके अलावा वो मुझे शो में भी देखते हैं। मुझे नहीं पता ये कब तक चलेगा, मगर जब तक चल रहा है मेरा पूरा प्रयास है अपना बेस्ट देने का। बहरहाल बात अगर सलमान खान की फिल्मों की करें तो सलमान खान की भारत ईद के मौके पर रिलीज होने वाली है ये साउथ कोरियन फिल्म ऑड टू माई फादर का रीमेक है। फिल्म में सलमान खान के अलावा कटरीना कैफ, दिशा पटानी, तब्बू और सुनील ग्रोवर भी अहम किरदार में है। ये फिल्म 5 जून 2019 को रिलीज होगी। फिलहाल तो सलमान का पूरा फोकस दबंग 3 की शूटिंग पर है। जी हाँ, इन दिनों सलमान खान दबंग 3 की शूटिंग कर रहे हैं। फिल्म में उनके साथ सोनाक्षी सिन्हा भी नजर आएगी। हाल ही में फिल्म की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। सलमान खान की इस फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश में चल रही है। इस फिल्म में सलमान के साथ सोनाक्षी सिन्हा भी नजर आएगी। बहरहाल हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।